दिलचस्प नज़ारा यहाँ भी देखने को मिलता है, जहाँ बहुत से टाइगर दरिया को पार करके इस ओर आए हुए थे, जिसमें मोर को देख एक नन्हा टाइगर उन पर अटैक करने के लिए चल देता है। और एक टाइगर जब इस इलाके में एंट्री करता है तो इसे एक हिरन दिख जाता है और ये बड़े ही खामोशी के साथ इस पर अटैक कर देता है और हिरन को पीछे से नोचने लगता है। काफी देर तक ये हिरन को ऐसे ही पकड़े रहने के बाद जब घसीटकर जंगल में लेकर जाता है तो यहीं अचानक से ये हिरन की गर्दन पर अटैक कर देता है, जिसमें हिरन उठकर भाग पाता है। इससे पहले ही ये इस पर अपने दमदार दांतों की ताकत दिखा बैठता है और इस तरह से ये हिरन मारा जाता है। पर जंगली सुअर को मारने के लिए बाघ की ये स्टैमिना क्या उसके लिए मददगार साबित हो पाएगी? इस क्लिप में एक टाइगर एक जंगली सुअर को देख उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि वो सुअर इसी की ओर दौड़ लगा देता है और ये टाइगर उसे दबोच लेता है। लेकिन इससे भी दमदार हमला इस क्लिप में होने जा रहा है, जहां इस जंगली सुअर और हिरन को देख ये टाइगर धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ते हुए इन लंबी घासों में आकर छिप जाता है और सुअर के और करीब आने का इंतजार करता है। जैसे ही इसे सटीक टाइम मिलती है ये इस पर अटैक कर देता है, जहां अटैक करने के बाद सुअर भी बहुत छटपटाता है और खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन टाइगर के चंगुल से बचना इसके बस की बात कहां थी? यहां इस क्लिप में एक जू में रखे गए एक टाइगर और शेर के साथ शेरनियों को खुला ही छोड़ दिया गया था, जिससे ये टाइगर जब शेरों के इलाके में घुसता है तो यहां इन दोनों के बीच अच्छी हाथापाई होती है। जिस तरह से बबून्स को मौत के घाट उतारने में लियोपर्ड्स पीछे नहीं होते हैं, उसी तरह टाइगर भी इस काम में पीछे नहीं रहे हैं। यहाँ से गुजर रहे इस बाघ की नज़र जैसे ही वाटर बग पर पड़ती है ये उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जब ये इसमें कामयाब नहीं हो पाता तो यहाँ ये इन घासों में छिपकर एक नए टारगेट पर अटैक करना चाहता है, जिसमें बदकिस्मती से इनका टारगेट एक बबून बन जाता है और ये उस पर अटैक करके उसे मार डालता है और उसे लेकर चलते बनता है, जहाँ ये अपने अड्डे पर जाकर इसे अपने बच्चों को सौंप देता है। ये इंडियन वाइल्ड डॉग्स जिन्हें ढोल्स भी कहते हैं यहाँ ये पानी पीने आए हुए थे, लेकिन तभी इन पर एक टाइगर की नज़र पड़ जाती है, जिसके बाद ये इन घासों के बीच से होता हुआ इनकी ओर जाता है। तभी इन सभी को इसके मौजूदगी की खबर मिलते ही ये सभी यहाँ से भागते तो हैं, पर इन्हीं में से एक ढोल जब इस पर अटैक करना चाहता है तो टाइगर के एक्शन में आते ही सभी को भागना पड़ जाता है। वैसे तो दोस्तों जंगल का राजा भी मगरमच्छ से भिड़ने पर पीछे ही हट जाता है, पर तब क्या होगा जब मगरमच्छ टाइगर से भिड़ेंगे? इसके लिए आप इस क्लिप को देखिए, जहां एक मगरमच्छ इस टाइगर पर अटैक करने की गलती कर देता है, जिसके बाद ये टाइगर भी एक्शन में आ जाता है और इस तरह से इस मगरमच्छ का हमला करना इस पर ही भारी पड़ जाता है। इस फील्ड में गायें घास खा रही थी, जिसकी धुन में ये इतनी खो गई थी कि इन्हें अपनी ओर बढ़ता बाघ भी नहीं दिखाई देता। इसी वजह से अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने के बावजूद भी इनमें से एक इस टाइगर के चपेट में आ जाती है और इसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक ऐसा ही क्लिप यह भी देखिए, जहां ये बाघ इस बछड़े को मारकर इस पत्थर के पीछे रखा था, जिसे लेकर ये उसे अपने मुंह में दबाए इस दीवार की ओर चला जाता है। एनिमल्स की वीडियो ये रही और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा।